का भी यमुना नदी साफ हो। अब वो तो केजरीवाल से पूछिए, वो तो पहले चुनाव में ही वादा किए थे कि हम यमुना के लिए बजट पास करेंगे। बजट पास करने के बाद 15 दिन बाद पूरे परिवार के साथ जाके यमुना में डुबकी लगा के आएंगे। सारी है ना डकैतों की टीम बैठी हुई है, ये दिल्ली सरकार पूरी डकैतों की टीम है। मुझे लग रहा है 15 साल हो गए लेकिन अभी उनको ये याद नहीं आया कि यमुना भी साफ करानी है, कि उसको उसी वही बंदा सत्ता पे चाहिए जो उसके हाथ की कठपुतली है, उसके इशारों पे चले। दिल्ली सरकार के काम से खुश हैं आप? मैडम 100% बिल्कुल एक घटिया निकम्मी लूटपाट वाली सरकार है। जाहिर सी बात है, अगर कठपुतली नहीं होती तो क्यों नहीं केजरीवाल इतने दिन से जेल में था, किसी और को बना दिया? कारण यही है। मार्लिना कहती है कि हम लोग प्रदूषण हटाने का काम कर रहे हैं, यमुना नदी जल्दी साफ हो जाएगी और बनारस के जो घाट है उससे ज्यादा साफ। सुनिए आतिशी मार्लिना की, जहाँ तक बात रही, जल बोर्ड की अध्यक्ष थी ना दिल्ली की, दिल्ली के लोग छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए जल की वजह से। आप क्या चाहती हैं कि प्रदूषण के मामले में लाके उनको पूरा मतलब खत्म ही कर दे क्या यहाँ के लोगों को? खुद धरने पे बैठ के बिस्लेरी की बोतल पी रही हैं और दिल्ली की जनता नाली का पानी पी रहा है, इनके गंदे गंदे पानी पी रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता बीमार हो रही है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। देखिए दिल्ली में इन दिनों यमुना नदी को लेकर के लगातार राजनीति शुरू हो चुकी है। छठ का महापर्व आने वाला है और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली वासी छठ पर्व मनाने के लिए यमुना नदी पर जरूर जाता है घाट पर। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से यमुना नदी गंदी है, गंदगी से भरा हुआ है, प्रदूषण से भरा हुआ है, उस पर जनता का जो है गुस्सा फूट रहा है। आखिर कब यमुना नदी साफ हो? अब वो तो केजरीवाल से पूछिए, वो तो पहले चुनाव में ही वादा किए थे कि हम यमुना के लिए बजट पास करेंगे। बजट पास करने के बाद 15 दिन बाद पूरे परिवार के साथ जाके यमुना में डुबकी लगा के आएंगे। मुझे लग रहा है 15 साल हो गए लेकिन अभी उनको ये याद नहीं आया कि यमुना भी साफ करानी है। पहली बार बोले लेकिन आपको ये याद नहीं है कि केजरीवाल 10 साल तक सिर्फ यहाँ पे राज, फिर तीसरी बार वही बनेंगे, मुझे पता है, इसलिए कह रहा हूँ 15 साल। अभी तो मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना है ना, आतिशी मार्लिना बताया नहीं आपको, उसकी कठपुतली है, जैसे केजरीवाल बोलेगा वैसे ही नाचना है इनको। केजरीवाल की, जाहिर सी बात है, अगर कठपुतली नहीं होती तो क्यों नहीं केजरीवाल इतने दिन से जेल में था, किसी और को बना दिया? कारण यही है कि उसको उसी वही बंदा सत्ता पे चाहिए जो उसके हाथ की कठपुतली है, उसके इशारों पे चले। आतिशी मार्लिना कहती है कि हम लोग प्रदूषण हटाने का काम कर रहे हैं, यमुना नदी जल्दी साफ हो जाएगी और बनारस के जो घाट है उससे ज्यादा साफ। सुनिए आतिशी मार्लिना की, जहाँ तक बात रही, जल बोर्ड की अध्यक्ष थी ना दिल्ली की, दिल्ली के लोग छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए जल की वजह से। आप क्या चाहती हैं कि प्रदूषण के मामले में लाके उनको पूरा मतलब खत्म ही कर दे क्या यहाँ के लोगों को? ये वही लोग हैं जो मतलब इनको, पहले तो जल बोर्ड की अध्यक्ष रही, जल बोर्ड को तो इनको देखा नहीं गया, पाइपें लीक कर रही थी उनको रिपेयर कराया नहीं गया, जाके वहाँ की दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली की जनता का समस्या समाधान करने की बजाय हरियाणा से बात करने की जगह ये धरने पे बैठ गई। खुद धरने पे बैठ के बिस्लेरी की बोतल पी रही हैं और दिल्ली की जनता नाली का पानी पी रहा है, इनके गंदे गंदे पानी पी रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता बीमार हो रही है। जनता हर बार प्रदूषण का शिकार होती है, यमुना नदी कभी साफ नहीं होता है कई सालों से, ऐसे इसका जिम्मेदार कौन? मैं बताता हूँ, दिल्ली सरकार है। एक बार बताओ, कभी यमुना नदी साफ ही नहीं होगा, इन लोगों के वजह से होगा ही नहीं कभी साफ। फिर बजट का क्या होता है? अरे बजट का क्या होता है, 53 करोड़ का शीश महल बनता है और क्या होता है? बजट लेना ही। कोरोना काल में लोग मर रहे हैं रोटी के लिए, भाग रहे हैं, गांव भाग रहे हैं, घर भाग रहे हैं, और वो 53 करोड़ का शीश महल बन रहा है कोरोना काल में, जिसको खाने का औकात नहीं, गरीब आदमी का भागने का और जगह नहीं, उस टाइम में कोरोना काल में वो 53 करोड़ का मकान बनता है। और यही केजरीवाल जी के बात हम कह रहे हैं, इन्होंने दारू फ्री किया, बस फ्री किया, और मतलब महिलाओं का टिकट मतलब, और बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया। बिजली फ्री नहीं किया, कुछ यूनिट छूट। हाँ कुछ यूनिट, 200 यूनिट छूट थी। पूरा काम करते ही कहाँ है? नहीं सुन ना, केजरीवाल पूरा काम करते कहाँ है? अब ये बताओ मेरे को, महिलाओं के लिए फ्री है ठीक है और पुरुषों के लिए पैसा है, तो बीच वाले कहाँ जाएंगे? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो क्या कुछ कंफर्मेशन, वो तो वो मैं कह रहा हूँ केजरीवाल से, एक बात और कह रहा हूँ कि इन्होंने एक पे एक दारू फ्री किया, तो 1 किलो दूध पे आधा किलो दूध क्यों नहीं फ्री कर दिया? लोगों पीता शराब की जगह तो दूध पी सकते थे बच्चे बूढ़ा सब, वो नहीं कर सकते, लेकिन 53 करोड़ का महल बन सकता है इनको। कह रहे हैं कि केजरीवाल कभी पूरा काम नहीं करते, यमुना नदी जिस तरीके से प्रदूषण से भरा हुआ है उस पर क्या? मैडम ये सारे बैठे हैं, सारी है ना डकैतों की टीम बैठी हुई है, आप ये दिल्ली सरकार पूरी डकैतों की टीम है, किसी ने एक ढीले का काम नहीं करना आज तक, सिर्फ बातें करनी है, ब्लेम गेम डालने हैं। अभी तक
दिल्ली पंजाब से फायर्स आ रही थी, हरियाणा से फार्म फायर्स हो रही थी। आज इनकी सरकार थोड़ी जो बनी हुई है, निकम्मी सरकार जो बनी हुई है भगवंत मान की, आज पंजाब क्लीन चिट हो गया। जी जब पंजाब पे नो, मैं तो दिल्ली से रहने वाला हूँ। आप पंजाब सरकार के, दिल्ली सरकार के काम से खुश हैं आप? मैडम 100% बिल्कुल एक घटिया निकम्मी लूटपाट वाली सरकार है। निकम्मी सरकार क्यों बोल रहे हैं आप? मैडम आप अपने आसपास ही देख लो, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बदबू के ढेर लगे हुए हैं, होटल सिस्टम क्रैश है। आप अपने आसपास ही देखना शुरू करो, मतलब अच्छी से अच्छी सोसाइटी देखोगे, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी की सप्लाई नहीं आ रही ढंग से। देश की राजधानी दिल्ली का हम विकास कर देंगे, दिल्ली जो है लंदन पेरिस बन जाएगा। दिल्ली को नरक बनाने में सबसे बड़ा योगदान इनका है। सिर्फ ये जो भेड़िए बैठे हैं ना नोच नोच के खाने के लिए, जो हमारे हार्ड अर्न मनी टैक्स पेयर्स का जो नाम तो बताइए। मैडम केजरीवाल हो गया, ये आतिशी हो गई, ये जो भारद्वाज है, या वो जो आया हुआ है गोरखपुर का जो वो ब्लैकी है, सब आप जानते हैं। दिल्ली सरकार एकदम निकम्मी सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और क्या, ये दिल्ली पेरिस बना देता, अगर कुछ दिन और ठीका चलाता ना तो कुछ जेंट्स का ना, एक महिलाओं के लिए भी टीका खुलवा रहे थे, ये तो बच गए जो बंद करवा दिए। जहाँ स्कूल वहाँ ठीका, जहाँ स्कूल वहाँ ठीका। आप स्कूल से निकलो, एक पौवा लो, पी लो, एक पे एक फीड़ी। अच्छा, यमुना नदी का जो हाल हुआ है वो देख रहे हैं आप? मैडम बिल्कुल देख रहे हैं। केजरीवाल तो कहते थे कि हम इसको जमुना को एकदम साफ कर देंगे। आज तो छठ पूजा आने वाली, डुबकी लगाने जाएंगे क्या? ये बताइए कौन जाएगा डुबकी लगाने? मैडम मुझे तो लगता नहीं कि केजरीवाल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था जमुना साफ कर देंगे। जमुना का क्या बदतर बुरा हाल हो चुका है, बताइए इन्होंने क्या करा है दिल्ली के लिए। अच्छा, यमुना को साफ करने के नाम पर ये लोग कई करोड़ रुपए लिए, लेकिन आज तक यमुना नदी साफ नहीं। इसका परिणाम मिल जाएगा फरवरी में, इनकी मुहिम हो जाएगी। किसकी मुहिम हो जाएगी? झाड़ू की, आम आदमी पार्टी की मुहिम हो जाएगी। केजरीवाल जिस तरीके से वादा किए थे यमुना नदी को लेकर, क्या लग रहा है, पूरा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ है। ऐसा युवा आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा। मुझे एक बात बोलना है, खास करके भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे अनेकों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर मुस्लिम को टारगेट क्यों की जा रही है सरकार, ये गलत। कौन सी सरकार टारगेट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को टारगेट क्यों कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है, मैं इस पे भी बात करती हूँ। एक बारी मैं कैमरामैन से चाहूंगी कैमरा बंद करें और दोबारा से जो है वीडियो चालू करें।